और चुनाव आयोग को दिए गए रिपोर्ट के जरिए यह खुलासा हुआ है कि टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने कई नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपए दिए थे। तृणमूल कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा समेत अपने 48 उम्मीदवारों को 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 75-75 लाख रुपए दिए थे। उम्मीदवारों को किए गए भुगतान पर पार्टी के व्यय विवरण के अनुसार उसने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर 3,60,00,000 रुपए खर्च किए। ये रिपोर्ट 7 जून को निर्वाचन आयोग को दिया गया था। बताया जाता है कि टीएमसी ने अपने 3 उम्मीदवारों को कुल 60,00,000 रुपए से कुछ अधिक दिए, जिनमें 2 दिल्ली से और 1 गुजरात से उम्मीदवार थे। गुजरात के भरूच से आपके उम्मीदवार चेतर भाई वसावा को 30,00,000 रुपए दिए गए थे। चुनाव प्रचार पर उम्मीदवार के खर्च की एक सीमा होती है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं होती। जनवरी 2022 में निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर खर्च की सीमा विधानसभा चुनाव के लिए 28,00,000 रुपए से बढ़ाकर 40,00,000 रुपए कर दी गई थी, जबकि लोकसभा चुनाव के लिए बड़े राज्यों में 90,00,000 रुपए और छोटे राज्यों के लिए 75,00,000 रुपए किए गए थे। चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल होंगे। चंपई के समर्थक भी सदस्यता ग्रहण करेंगे। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम से इस्तीफा दे चुके आदिवासी नेता चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चंपई सोरेन हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे। 30 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सदस्य लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा पार्टी है देश में। पार्टी किस तरह का हमको किस क्षेत्र में या झारखंड किस तरह का काम को हमको दायित्व देंगे, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। चंपई सोरेन के लिए बीजेपी में आज दोपहर 2 बजे खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, अर्जुन मुंडा समेत झारखंड बीजेपी के तमाम नेताओं की उपस्थिति में चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। पार्टी को उम्मीद है कि झारखंड चुनाव से पहले चंपई सोरेन के शामिल होने से आदिवासी क्षेत्र में उसकी स्थिति और मजबूत होगी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो जिउ जित्सु यानी मार्शल आर्ट की एक फॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये करना इसका दूसरा तरीका वही चीज बट बिना कंधे के डायरेक्ट इस पे। राहुल का ये अंदाज अब से पहले आपने नहीं देखा होगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये वीडियो जारी करते हुए कहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने शिविर स्थल पर हर शाम जिउ जित्सु का अभ्यास करना शुरू किया था। दिनचर्या के बीच शहरों के लोग और युवा मार्शल आर्ट के छात्र भी साथ आ गए थे। स्टंट डालनी पड़ रही है ना? अब ये देखो, छोटी फिंगर से उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक बेस की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, वीक पॉइंट होती है। राहुल ने कहा है कि ये वीडियो जारी करने का मकसद लोगों को अपनी ऊर्जा के पहचानने और लोगों को सुरक्षात्मक कलाओं के बारे में प्रेरित करना है। पकड़ने आऊंगा, ठीक है? बट लोग कैसे खेल रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्रेन हादसों के लिए खास समुदाय को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये संयोग नहीं प्रयोग है। गिरिराज ने विपक्षी दलों से सवाल किया। भारत में इधर जितने डिरेल्ड हुए और ये खास समुदाय के मुसलमान ही थे। आपने सुना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे थे। वो देश में हो रहे रेल हादसों के लिए एक खास समुदाय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इधर जितने भी हादसे हुए हैं उसे अंजाम देने वाले खास समुदाय के मुसलमान थे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि अब उनकी जुबान क्यों बंद है। अब तो बातें खुलने लगी है कि रेल ये हादसा नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है भारत के रेल को, भारत को अस्त व्यस्त करने का। इस समय न राहुल गांधी की जुबान खुलेगी, न लालू यादव की, न तेजस्वी की। गिरिराज सिंह सवाल उठा रहे हैं कि रेल हादसे वही क्यों होती है जहां मुस्लिम आबादी है। ये वही क्यों हो रहा है जहां जहां मुस्लिम आबादी होती है। आपको बता दें कि आतंकी फरतुल्ला ने वीडियो जारी कर ट्रेन के पटरियों को उखाड़ने की धमकी दी थी।
और कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक सांसद सोते हुए दिख रहे हैं। कौन है वो सांसद, देखिए इस रिपोर्ट में। आप जब जाएंगे मतदाता के पास तो मतदाता को बताएंगे जब शासन की योजनाओं के बारे में, तो मतदाता आपके साथ जरूर जुड़ेगा। हमारी समस्या क्या है, हम हर चीज का समाधान मान लिए हैं कि साहब स्मार्टफोन से ही हो जाएगा। नहीं हो सकता जी, हमें घर घर जाना पड़ेगा, घर घर संपर्क करना पड़ेगा। छोटा सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो वायरल है, जिसमें योगी आदित्यनाथ बीजेपी नेताओं को जनता के दिल में जगह बनाने के गुर बताते रहे, चुनाव में जीत का मंत्र सिखाते रहे, लेकिन नेता कितने संजीदा हैं आप देख सकते हैं। आदित्यनाथ का संबोधन चलता रहा और ये साहब नींद के आगोश में डूबे रहे। ये कोई और नहीं बल्कि अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले हैं, बेफिक्र सो रहे हैं। देवेंद्र सिंह भोले ये भूल गए कि वो सीएम के साथ बैठे हैं, उस मंच पर बैठे हैं जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नजर है। उन्हें देखकर लोग सीखेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। मतदाता को बताएंगे जब शासन की योजनाओं के बारे में,